इस चमत्कारी मंदिर में दर्शन करने से दूर होती है भक्तों की परेशानियां। आइए जानें। गुजरात में कई बड़े धार्मिक स्थल हैं और इनमें एक विशिष्ट स्थान रखता है अंबाजी मंदिर। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। इसे शक्ति की देवी सती का मंदिर माना जाता है। हिंदुओं के पुराने और पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक अंबाजी मंदिर गुजरात और राजस्थान की सीमा पर बनासकांठा के दांता में बना हुआ है। इसे 1200 साल पुराना बताया जाता है। अंबाजी मंदिर के जीर्णोद्धार का काम 1975 में शुरू हुआ था और यह अभी भी जारी है। मंदिर का शिखर 103 फीट ऊंचा है और इस पर 358 स्वर्ण कलश सजे हुए हैं। अहमदाबाद से इस मंदिर की दूरी 100 किलोमीटर से ज्यादा है। पुराणों के अनुसार सती के शव के विभिन्न अंगों से 52 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ था। इसके पीछे यह अंतर्कथा है कि दक्ष प्रजापति ने कंग हरिद्वार में बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता भगवान शंकर को नहीं बुलाया। शंकर जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती पिता द्वारा न बुलाए जाने पर और शंकर जी के रोकने पर भी यज्ञ में भाग लेने गईं। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से पीड़ित हुई सती ने यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। भगवान शंकर के आदेश पर उनके गणों के उग्र कोप से भयभीत सारे देवता ऋषिगण यज्ञ स्थल से भागे। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए इधर उधर घूमने लगे। तदनंतर संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शरीर को काट दिया।